ग्वालियर में इन दिनों एक खास मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रभात राय पंजाब सरकार के आदेश पर वाल्मीकि जी की मूर्ति बना रहे हैं। वाल्मीकि जी की ये मूर्ति पंजाब के रामतीर्थ में स्थापित होगी। आपको बता दें कि माना जाता है कि ये वही जगह है जहां वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। ये मूर्ति 5 फीट से ज्यादा की है और इसका वजन 800 किलो है। मूर्ति के निर्माण में सोने का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे गोल्ड प्लेटेड बनाया जा रहा है। मूर्ति पर 50 माइक्रोन गोल्ड की परत लगाई जाएगी। मूर्ति को बनाने में 3 महीने लग गए हैं। इसे 13 दिसंबर को पंजाब के रामतीर्थ में स्थापित किया जाएगा। ये पंजाब गवर्नमेंट ने हमको आदेश दिया था, बादल साहब ने, और ये वाल्मीकि जी की मूर्ति है और रामतीर्थ से जगह है जहाँ रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि जी द्वारा, वहीं स्थापित की जा रही है। इसमें खासियत यह है कि 1.5 फुट की बैठे में मूर्ति है और करीबन 800 किलो वजन है इसका, और ये टोटल गोल्ड प्लेट की बनाई जा रही है। आज तक हिंदुस्तान में कभी गोल्ड प्लेट किया नहीं गया किसी मूर्ति में, क्योंकि उसकी टेक्निक बड़ी विचित्र है तो हर कोई कर नहीं पाता था। तो हमने इसको गोल्ड प्लेट करने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन बनाई है जिसके द्वारा इस पर करीबन करीबन 50 माइक्रोन गोल्ड चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर। और सबसे महंगी मूर्ति पहली बार है। हाँ, ये हमारे जीवन में 5.5 फुट की सबसे महंगी मूर्ति है और करीबन 45 लाख रुपए की लागत आई है। लगभग कितना समय लगा मूर्ति को बनाने? इसको 3 महीने हो गए। 3 महीने से कंटिन्यूसली ऊपर घिसाई और ब्रीजिंग, घिसाई और ब्रीजिंग करते चले आ रहे हैं और फिर उसके बाद गोल्ड चढ़ाया जाएगा।